क्या कहते से, क्या आई डोंट नो क्या कहते से, शगुन क्या निकल रहे हैं। हाय बेस्टीज, हाय बेस्टीज। सो या अभी मैंने शावर लिया है और अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, इसीलिए आज मैं बाहर बाहर इसे देखो बाहर पानी अंदर। सो व्हाट हल्ला इज दिस आउटसाइड। ओके सो अभी मैंने शावर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। आई विल डू पूजा, आई विल शो यू माय सेटअप, गणेश चतुर्थी का सेटअप दिखाती हूँ। सेटअप मम्मा ने लगाया हुआ है, यहाँ और भी चीज़ें थी मम्मा लेके चली गई हैं, तो अभी हम पूजा करेंगे बिकॉज 11 डेज वी गोना डू पूजा एंड वी गोना, आई एम नॉट फास्टिंग फॉर 11 डेज बट फर्स्ट एंड लास्ट टाइम फास्टिंग, मैंने मेरा कल फास्ट था और अभी फिलहाल के लिए हम पूजा करेंगे एवरी 11 डे। सो लेट्स डू द पूजा। लाइट अप द दिया। सो पूजा इज डन, सो हैप्पी एंड लुक एट माई गणेश जी, लुक्स सो क्यूट। सो कल पूरे दिन फास्ट रखा था और आज मैं अपना फर्स्ट मील खाने वाली हूँ। और मतलब कल भी मैंने खाया था फास्ट का खाना खाया था, मम्मा ने मेरे फास्ट के आलू बनाए थे और राइस भी बनाया था। सो बट आज मेरा फास्ट नहीं है, बट 11 डेज आई एम गोना लाइक वेजिटेरियन फॉर 11 डेज। ऐसा इतने लॉन्ग पीरियड के लिए मैं कभी भी वेजिटेरियन नहीं रही हुई हूँ, कभी भी नहीं। बट आई बिलीव इन गणेश जी अ लॉट, वो मेरे मतलब मेन गॉड है, तो इसी वजह से आई एम गोना कीप दिस फॉर 11 डेज। आई एम नॉट गोना ईट नॉन वेज एट ऑल। सो मैंने बाहर से कुछ वेज खाना मंगाया, पनीर की सब्जी। सो मुझे भूख लगी, मुझे पानी आ रहा है बोलते बोलते भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रूट नाउ। फर्स्ट थिंग वी गोना ईट टुडे ना, सो बेसिकली मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो अपनी कैट को तरबूज खिलाता और बहुत अच्छे से खा रहा था। नोनू नो, मैं देखती हूँ मेरा नोनू खाता है कि नहीं खाता। आई डोंट नो इज हेल्दी और नॉट, मैं इसलिए थोड़ा सा ही खिलाऊंगी इसको। प्लीज़ बेस्टीज लेट मी नो कि हम कैट्स को फ्रूट्स खिला सकते कि नहीं खिला सकते। एक रील देखी थी जिसमें अपने कैट को ये वाटरमेलन खिला रहे थे और मैंने कमेंट में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं कि नहीं आप नहीं खिला सकते एंड ऑल, तो मैं इसलिए इसको टेस्ट करवा रही हूँ। टेस्ट बर्ड्स ओपन कर रहे हैं इसके, बट ये खा नहीं रहा, ये तो कट्टी करो, बस चाट रहा है। सो बेसिकली इसने खाया नहीं है इसको, सिर्फ इसको लिख कर रहा है इसने। आई डोंट नो इसे हम खिला सकते नहीं खिला सकते, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप अपने पेट्स को वाटरमेलन खिला सकते हो नहीं खिला सकते हो। ये देखो मेरे शादी का रिश्ता आ गया मेरा वो आया है, क्या कहते से, क्या आई डोंट नो क्या कहते से, शगुन क्या कोई मेरे लिए फ्रूट्स लाया भाई। मेरी फास्टिंग है ना, इसलिए फास्टिंग थी, एक दिन का फास्टिंग है, 11 डेज नहीं है मेरी फास्टिंग। क्या बहुत सॉरी, यू कैन स्पीक वेजिटेरियन फूड वेजी, तो सो यू कैन स्नैक इट एनी टाइम व्हेनेवर यू विश टू। अब मेरी शादी का हुआ है रिश्ता। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो डिलीवरी के ऊपर है बिकॉज मेरे पास डिलीवरी आनी थी। बट लुक एट दिस, मेरे को क्या रिसीव हुआ, मैंने ना कुछ और मंगाया था बट मेरे को फैशन नोवा से कपड़े मैंने मंगाए, मैंने खरीदे ही है खुद के खरीदे हुए, कोई कोलैब नहीं है। तो मैंने इसका रिव्यू डालूंगी तो इसकी वीडियो आने वाली है सून, ओपन करके देखते रहते। फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी बिकॉज आई एम गोइंग टू मीट रिया एंड आज की वीडियो स्पेशल इसीलिए बिकॉज मेरे को पार्सल मिलना था एंड लुक व्हाट आई गॉट। आई जस्ट शोड यू गाइज, मुझे फ्रूट बास्केट मिला है, आई थिंक मेरी शादी हो रही है, आई एम जस्ट किडिंग। सो माय फ्रेंड इज वेरी स्वीट, वेरी थॉटफुल, उसको ये कि मेरा फास्ट चल रहा है तो कल था बेसिकली मेरा फास्ट और वो आज फ्रूट बास्केट ला के दे रहा है मुझे, बट या लाइक ही स्वीट, सो आई डोंट नो, इट हैज लाइक लॉट ऑफ फ्रूट्स। सो अभी फिलहाल के लिए मैं रिया के पास जा रही हूँ एंड आई हैव अ गिफ्ट फॉर रिया। मैं तुम्हें आज एक चीज बताना चाहती हूँ बेस्टीज, देखो ये जो चप्पलें हैं, जैसे आप लोग पूछते हो कि ये वाली चप्पल आपने कहाँ से ली, ये वाली चप्पल कहाँ से ली, इसकी देखो हालत खराब है, ये देखो टूट गया, ये मैंने दूसरी खरीदी है, पहली ये पड़ी दूसरी ये रही, और ये कोई 1500 रुपए की नहीं है, 2200-2300 रुपए की है H&M से। सो डोंट बाय इट, मेरा सीन है मत खरीदो सर। फाइनली आई रीच्ड यहाँ पे और अब हम जा रहे हैं, लेट्स गो। Hey!
गिफ्ट है अभी कुछ खाने के लिए मंगाया है, इसकी तबीयत खराब, बीटी सी हो रही है आज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी हमने मंगाया है लाफिंग एंड फ्राइड राइस। मेरे को मैकडॉनल्ड्स पर खराब हो रहा है मेरा लाफिंग, इससे पेट खराब हो रहा है, मतलब वॉमिट हो रही है, पेट खराब है, लूज मोशन हो रहे हैं। बेसिकली आप लोगों को पता है मेरा फेवरेट सैलून है एचयूबी सैलून, और इसके लिए मैं बहुत ही दूर दूसरे कॉर्नर पे जाती हूँ क्योंकि मैडम का सैलून दूसरे कॉर्नर में है, बट अब ये लाजपत नगर में खुल रहा है, ये अब मैं लाजपत नगर में आया करूँगी, मेरे घर के पास है, अब तो हर 10 दिन के अंदर उसके पास जाने बोल दिया, 10 दिन बोल दिया, बट क्या पता आ जाऊँ 10 दिन के अंदर। इधर नॉर्मल आते हैं, गार्लिक फ्राइड राइस वेज एडिशन, मुझे अच्छे लगे, स्पाइसी से मेरे टाइप के हैं। अब रिया बताएगी खाके, बहुत एंटरटेनिंग है, बड़ा आज तबियत खराब है लड़की की। चिली 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 गार्लिक, अच्छा है ना, यमी लुक्स, यमी एंड इट इज यमी, मेरी शक्ल से यमी नहीं दिखेगा बट है, हाँ बट यमी है, मैं बता रही हूँ, सो गुड। इसी से मैं घर पहुँच गया, आई एम सुपर टायर्ड बिकॉज मुझे 1 घंटा लगा लाजपत नगर से नोएडा आने में, सो और मेरा अभी तक पार्सल भी नहीं आया है, रात के 7:30 ऑलमोस्ट 8 o'clock होने वाले हैं, सो आई डोंट थिंक सो कि पार्सल अब आएगा अभी, बट लेट्स सी, अगर पार्सल आता है तो आई शूट, अदरवाइज आई शूट टुमारो, बिकॉज जो पार्सल आने वाला है उसके चक्कर में ये मेन वीडियो बनी है और वो पार्सल ही अभी तक नहीं आया, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। टुडे इज़ अ सेकेंड डे एंड जिन पार्सलों का मुझे इंतजार था वो फाइनली आ गया, मैं भी सो के उठी हूँ भैया की एंट्री से ही। नो नो, आई एक्साइटेड, गिफ्ट आया आपके लिए, मम्मा ने गिफ्ट ही ऑर्डर करा था। तो जिस चीज़ के लिए ये व्लॉग बन रहा है वो सामान आ चुका है, अभी तुम लोगों को खोल के दिखाती हूँ, बट अभी मैं कुछ खाऊंगी, मुझे भूख लग रही है और मैं रेडी होती हूँ। सो सो ये व्लॉग बनाता इन दो प्रोडक्ट्स के लिए बेसिकली कि मैंने ऑर्डर करे थे, बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड टू शो यू ऑल मैंने क्या ऑर्डर किया है, बट ये वाला प्रोडक्ट मैं रील के लिए खोलती हूँ, मैं खोल के दिखाती हूँ। एक्चुअली ये नोनू का गिफ्ट है, नोनू बहुत एक्साइटेड है, देखो। सो लेट्स ओपन दिस, दिस इज व्हाट आई ऑर्डर फॉर माय बुबू शिकड़ी एंड आई थिंक इज लविंग इट, और हम मम्मा को सरप्राइज देने जाएंगे बिकॉज मुझसे ज्यादा मम्मा एक्साइटेड थे इस बैग के लिए कि वो कब आएगा और मम्मा कब नोनू को ऐसे लेके घूमेगी। तो आज मम्मा को जाएंगे सरप्राइज देने के लिए, बट लेट्स ओपन द अनदर डब्बा। ओके फॉर दिस आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज इट्स लाइक एक्सपेंसिव शिट अगेन। निकल रहे, look at this beauty. Ooh! Yes, queen Dyson ka hair dryer mangaya hai maine basically. Iska pura set bhi aa raha tha but maine Dyson ka hair dryer mangaya hai. Abhi main mamma ko surprise dene wali hu is bag se jo ki sabse important hai. Mamma bahut excited hogi, so जस्ट मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स पे, आप जाके देख सकते हो, आई एम सुपर हैप्पी। और अभी हम जा रहे हैं मम्मा के पास नोनू को लेके, काम कर लिया खत्म, अब हम जा रहे हैं नानी हाउस। इंस्ट्रक्शन पढ़े थे तो उसमें लिखा था कि इसका फेवरेट टॉय रख देना, तो मैंने इसका फेवरेट टॉय रख दिया और ये इसके साथ खेल रहा है, आई एम सो हैप्पी एंड नाउ वी आर गोइंग टू नानी हाउस मम्मा को सरप्राइज देने, मैकडॉनल्ड्स लेने। नोनू मम्मा से देखो, और ये रहा मेरा बच्चा, हम ड्राइव पे आए हुए हैं मैकडॉनल्ड्स लेने के लिए, और सबको बहुत पसंद है आइस टी वगैरह, तो आज वही मम्मा के लिए लेके जा रही हूँ, ठीक है, उनको पता नहीं है मैं घर पे आ रही हूँ, इट्स अ सरप्राइज फॉर हर। गाइस टॉप पट कर दिया, इसमें ऐसे रखो ना सामने, इसमें फोटो ले ले, ये ला, अरे वाह, ये तो मैंने, तूने मुझे लिया के दिया ना, तू
मम्मी आपको कैसा लगा इसका बैग? बहुत पसंद आया। कैसा लग रहा है? निकलना है। कैसा लगा पहले बताओ। बड़ा अच्छा, मुझे भी देना, मैं भी उठा लो। चलो मम्मा उठा के दिखाएंगे। कितने का आया ये? होगा आई थिंक 2000 रुपए से अंडर कर रहा है। पता है यहाँ से देखो, हाथ डालो कहाँ, मैं ऐसे खेलती हूँ, यहाँ से डालो हाथ। मम्मी का कब से मन था ना ऐसे लेके घूमने का। ऐसा ऐसा एक लड़की ऐसे करती घूमती है ना। बाय नोनू, नानी जा रहा है। बाय। मम्मा बहुत प्यार करती है इसको, याद बहुत आती है मुझे इसको। That's it for today's video. Now it's time to sleep and I'm removing my makeup and all. So thank you for watching, besties. I hope you like this video. Please give a big thumbs up if you like it and love you. Just subscribe my YouTube channel. Bye.